पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स इन्होंने जो है डंप हुए हैं उस पर डैमरेज और डिटेंशन की मद में अरबों डॉलर बाहर जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से हमने गुजारिश की, हमने कोशिश की कि इसलदार साहब से हमारी मीटिंग हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आम आवाम से मिलने के लिए। इस वक्त बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास, स्टेट बैंक किसी हालत में भी इनको डॉलर नहीं दे रहा है और कमर्शियल बैंकों ने हमें साफ तौर पे कह दिया है कि आप कारोबार बंद कर दें, आप हमारे बैंकों से पैसा भी उठाना चाहें आप पैसा उठा लें। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपकी ये बात कह रहा हूँ। मेरी कल भी कमर्शियल बैंकों से मीटिंग हुई है और उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया है कि आप अपना पैसा उठाना चाहें आप अपना पैसा उठा लें, हम आपको डॉलर देने की पोजिशन में नहीं है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें डॉलर नहीं दे रही। सेक्शन 40A के तहत FBR के जो मेम्बरान है, FBR के अराकीन हमारे बैंकों में जा रहे हैं और बैंकों में जाके बैंक मैनेजर को बाकायदा धमकियाँ दे के हमारे अकाउंटों से पैसे ले दिए जा रहे हैं, हमारे अकाउंटों से पैसे ले जा रहे हैं सेक्शन 40A के तहत। इसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं कमिश्नर के पास तो कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम अपील में जाके वो पे ऑर्डर एज इट इज़ रुकवा दें। कुछ पे ऑर्डर हम रुकवाने में कामयाब हुए हैं, दो पे ऑर्डर हम वापस ले जाने में भी कामयाब हुए हैं, बकाया पे ऑर्डर जो है उन्होंने कैश करा लिए हैं, अब वो अपील में केस चलेंगे और नाजायज तरीके से केस जो है वो हमसे पैसा लिया जा रहा है। ये वो उन अकाउंटों से पैसा लिया जा रहा है जो कि इम्पोर्टर्स के हैं और इम्पोर्टर्स एडवांस सेल टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स पे करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये पॉलिसी मुशर्रफ साहब के टाइम पे हमने बनवाई थी कि अगर आप ये बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं देना चाह रहे, हम टैक्स देना चाह रहे हैं लेकिन हम FBR और CBR के नुमाइंदों से बचना चाह रहे हैं जहाँ पर करप्शन है। तो इस वक्त मुल्क जो है वो आपका बैंकक्रप्ट हो चुका है, कोई ये मत सोचिए कि बैंकक्रप्ट नहीं है। अगर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो नोट के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है हामिल हाजा मुतालबे पर अदा करेगा, हमने अपना मुतालबा कर दिया कि आप हमें इस अकाउंट पैसे की अगेंस्ट सोना दें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सोना नहीं हमें देने के लिए। तो हम आज ये बात कह रहे हैं कि इसके भयानक नतीजे निकलेंगे, आप जाकर दुकानें हमारी बंद कराने की कोशिश करेंगे। आज आप देख लें जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किस सेक्टर से हो रहे हैं, आपने नई इंडस्ट्रीज नहीं लगने दी, नया कारोबार आपका रुक गया, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं। अगर हमारी दुकानें बंद हो गई तो आप सोचिए कि आपके पास बेरोजगारी का कितना बड़ा सैलाब आएगा। इस वक्त आपका क्राइम का रेशियो जहाँ पे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है।